सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENT गुड़गांव.com। मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT सर्जन मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा ओटोस्क्लेरोसिस के बारे में। ओटोस्क्लेरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे कान के अंदर जो हमारी वाइब्रेशन की बोन्स होती हैं, जिनको हम मिडिल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, इनके ऊपर कैल्शियम जमने की वजह से इनका वाइब्रेशन कम हो जाता है और पेशेंट की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर ये प्रॉब्लम जेनेटिक बेसिस हो सकती है और ये दोनों कान को एक साथ इन्वॉल्व कर सकती है। अक्सर जो ऑपरेशन किया जाता है वो एक कान का एक बार में किया जाता है और इस ऑपरेशन को हम लोग स्टेपिडोटोमी या स्टेपिडेक्टोमी का नाम देते हैं। आइए तो जानते हैं इस ऑपरेशन को कैसे किया जाता है एक सिंपल एनिमेशन के द्वारा। कान के अंदर हम एक दूरबीन डालते हैं या स्पेकुलम डालते हैं और इस ऑपरेशन को माइक्रोस्कोपिक या फिर एंडोस्कोपिक गाइडेंस में किया जाता है। कान के अंदर हम एक इंसिजन लगा के कान के पर्दे को लिफ्ट अप करते हैं और कान के पर्दे को लिफ्ट अप करने के बाद अंदर हमारी जो हियरिंग बॉसिकल्स होती हैं, हियरिंग बोन्स होती हैं, हम उनको चेक करते हैं वाइब्रेशन के लिए और हम देखते हैं कि अक्सर ये वाइब्रेशन लिमिटेड होता है या ये वाइब्रेशन अंदर वाली बोन्स तक नहीं पहुंच रहा होता है, जिसके वजह से पेशेंट की सुनाई में कमी होती है। इस तरह की सिचुएशन में हम माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा या फिर स्कीटर ड्रिल के द्वारा जो हम बोन्स होती हैं जिनके ऊपर कैल्शियम जम जाता है उनको ड्रिल करके वहाँ से रिमूव कर देते हैं और जो हमारी सुनाई की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको हम स्टेपीज बोन कहते हैं, इसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे हम एक छोटा पिस्टन डाल देते हैं। अक्सर इस तरह के ऑपरेशन में हम लेज़र का भी सहारा लेते हैं जो हम नए पिस्टन के लिए होल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पिस्टन होता है वो हमारे स्टेपीज बोन का रिप्लेसमेंट होता है और स्टेपीज बोन का जो काम है कि कान के जो आवाज़ के वाइब्रेशन है वो हमारे अंदर कॉकलिया तक जाएं, उसको ये बखूबी तौर पे करता है। इस ऑपरेशन को हम सबसे छोटा माइन्यूट जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन का भी नाम देते हैं। इसके बाद हम पिस्टन को फैट से या फेशिया से सपोर्ट करते हैं और कान के पर्दे को वापस अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। इसके साथ साथ हम इस ऑपरेशन में पेशेंट से ऑन टेबल हियरिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में भी पूछताछ करते हैं और जब हमें कंफर्म होता है कि पेशेंट का हियरिंग अच्छा है फिर हम पिस्टन को अपनी जगह पे लॉक कर देते हैं और सारे ऑपरेशन के लिए हम सपोर्ट में अंदर फोम और कान का पैकिंग रखते हैं। इसके बाद पेशेंट को अगले दिन हम डिस्चार्ज करते हैं और 4 से 5 दिन में पेशेंट के कान में से पैकिंग निकाल देते हैं। तब तक पर्दा और पिस्टन अपनी जगह पे सेट हो चुके होते हैं और पेशेंट की हियरिंग अच्छी हो चुकी होती है। थैंक यू।